वेलकम टू ज्ञान विनुस के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब कम आता है, पेशाब में जलन होती है तो इसके क्या कारण है, क्या इसके बचाव है और क्या इसके इलाज है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पेशाब में जलन व दर्द क्यों होता है। पेशाब करने में जलन या फिर दर्द होने को डिस्यूरिया कहा जाता है। यह आपके जननांगों के आसपास महसूस होती है। यूरेथ्रा वह एक ट्यूब है जो आपके मूत्राशय ब्लैडर से मूत्र को बाहर निकालती है। किसी भी उम्र के पुरुष या फिर महिलाओं को यह समस्या हो सकती है, लेकिन यह महिलाओं में समस्या एक आम बात होती है। पेशाब में जलन होना अपने आप में एक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ अन्य बीमारियों का एक लक्षण होता है। अब हम जानते हैं कि पेशाब में दर्द और जलन के लक्षण क्या हैं। संक्रमण से जुड़े बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जिससे कि पेशाब में जलन हो सकती है। पहला बुखार, दूसरा जांघ के आसपास अंदरूनी हिस्से में दर्द होना, मूत्र में ज्यादा बदबू आना, पेशाब में खून आना या फिर धुंधला पेशाब, रात दिन या दोनों के दौरान पेशाब करने की आवश्यकता बढ़ना, पेट में दर्द होना, मितली या फिर उल्टी आना, दर्द लगना, ये सभी आम बात है जिससे कि आपको लक्षण पता चलेंगे। अब हम जानते हैं कि पेशाब में दर्द और जलन होने के कारण क्या है। पेशाब में जलन होने के कई कारण होते हैं, लेकिन साथ ही यह सच भी है कि डॉक्टर हमेशा कारण की पहचान नहीं करते हैं। महिलाओं में पेशाब करते समय जलन के कारण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। पहला, ब्लैडर का इन्फेक्शन। दूसरा, योनि में संक्रमण। तीसरा, मूत्रपथ का संक्रमण यानी UTI। चौथा, बच्चेदानी में संक्रमण होना, सूजन होनी। पांचवा, मूत्राशय या फिर मूत्र मार्ग में सूजन होना। सूजन आमतौर पर एक संक्रमण के कारण होती है। ये सभी कारण हैं जिससे कि महिलाओं में पेशाब में दर्द या फिर जलन होती है। अब हम जानते हैं कि पेशाब में दर्द और जलन के बचाव क्या है, इसके उपाय हम जानते हैं। आपको अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए, सोते समय या फिर यौन संभोग के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए, अत्यधिक देर तक मूत्र को अंदर नहीं रखना चाहिए, यौन स्वच्छता और अधिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यूट्रिया की समस्या है तो आपको जननांगों को उच्छेदित करने वाले किसी भी उत्पादन का सेवन नहीं करना चाहिए। कई साथियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी आपको बचना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पेशाब में जलन और दर्द का इलाज क्या है, कैसे आप कुछ घरेलू उपाय करके भी इससे राहत पा सकते हैं। नंबर वन, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, आपको हर रोज 2 गिलास नारियल का पानी पीना चाहिए। दूसरा, खुद को रिलैक्स रखने के लिए कुछ सामान्य तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तनाव व चिंता आपकी स्थिति को गंभीर बना सकती है। तीसरा, महिलाओं को अपने जननांग क्षेत्र साफ और सूखा रखना चाहिए, बार बार अपने सैनिटरी नैपकिन्स को बदलते रहना चाहिए। चौथा, ज्यादातर समय तक गीले कपड़े या फिर स्ट्रीम शूट नहीं पहनना चाहिए, सूती अंडरवेयर पहने, सुरक्षित क्षेत्र का अभ्यास करें, संभोग से पहले और बाद में जननांगों को धो लें, बैक्टीरिया को बाहर निकलने के लिए संभोग करने के बाद पेशाब जरूर करें। कैफीन, मसालेदार भोजन, कृत्रिम मीठे और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें, क्योंकि वे स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। विटामिन सी में उच्च खाद्य पदार्थ या फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने के लिए डॉक्टर से पूछें। धूम्रपान, शराब ना करें। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि पेशाब अगर रुक रुक कर आता है तो आपको क्या करना चाहिए, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब कम आता है, पेशाब में जलन होती है, तो इसके कारण, बचाव और इलाज हमने जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अगर आपकी कुछ राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।